पैरेलल लाइन के सारे थ्योरम के बेस पे कंसेप्ट ये निकलते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो एक्जोइम होती है। पहली एक्जोइम ये कहती है कि अगर ये दोनों लाइन एल एम और एन, एल और एम हमारी पैरेलल है, एल और एम हमारी क्या स्टूडेंट्स, अगर पैरेलल है तो एंगल वन और एंगल फाइव क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एक एक्जोइम कहती है, या फिर फोर और एट इक्वल होंगे, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दूसरी एक्जोइम क्या कहती है कि अगर ऐसा गिवन है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, तो इससे कंक्लूजन ये निकला स्टूडेंट्स कि लाइन एल जो है पैरेलल है लाइन एम के, और यहां पे हमारे क्या गिवन था, लाइन एल पैरेलल थी लाइन एम के, तो इससे हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था एंगल वन और फाइव क्या है, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद थ्योरम्स आई थी हमारे पास। थ्योरम में क्या था स्टूडेंट्स कि इंटीरियर एंगल सेम साइड का सम 180 होता है, इंटीरियर एंगल सेम साइड का सम क्या होता है 180। उससे पहले थ्योरम यह आई थी कि अगर दोनों लाइंस L और M आपकी पैरेलल है, L आपके M के पैरेलल है, तो कंक्लूजन ये निकला था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होंगे, 3 और 5 क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। ठीक है ना, फिर दूसरा कंक्लूजन ये निकला था कि अगर आपको ये गिवन है एंगल 3 एंड इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों अगर इक्वल गिवन है तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि L और M आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और आप किसी तरह ये प्रूव कर दो कि 3 और 5 इक्वल है, तो आप बोलोगे एज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हेंस द लाइन्स आर पैरेलल। ओके, उसके बाद आते हैं इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, 3 और 6 का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों लाइंस किसी क्वेश्चन में गिवन हो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो आप वहां पे बेधड़क ये यूज कर सकते हो कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 आर 180। और इसका दूसरा क्या आएगा, अगर अच्छा ये था ना एल पैरेलल एम है, तो इसका कंक्लूजन ये निकला था एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, और अगर ऐसा गिवन है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, तो इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो L पैरेलल M। ओके, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर 3 और 6 का सम 180 किसी तरह प्रूव हो गया या गिवन है, तो हम लोग वहां से यूज करेंगे कि L और M जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। ठीक है ना, ये दो तीन बातें ये आपको बिल्कुल माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए। पहला तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। पहली ये दो एक्जोइम थी। थ्योरम क्या कहती थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, सॉरी लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। फिर उसके बाद थ्योरम ये थी कि इंटीरियर एंगल सेम साइड का सम अगर लाइंस पैरेलल है तो 180 होगा, लाइंस पैरेलल है तो इन दोनों का एंगल्स का सम 180 होगा, और अगर इनका सम 180 है तो लाइंस क्या होंगी हमारी, पैरेलल होंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोगों ने एक ये भी किया था कि दो लाइन हमारी, ये लाइन भी इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये दोनों लाइंस भी हमारी आपस में क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको ये अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया अगर ये आपको अच्छे से याद आता है, तो आप पैरेलल लाइन से रिलेटेड ऑलमोस्ट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।